चल ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है आप लोगों का ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ये ऑर्गेनोजेन, एक सेकंड, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, अब ये ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? तो पॉइंट नंबर वन, ऑर्गेनोजेनेसिस को समझने से पहले आप लोगों को कुछ और चीजों का भी नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर किसे बोलते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग जान चुके हैं, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर करते कैसे हैं ये हम तब तक नहीं अच्छे से जान सकते तब जब तक हम लोग इस प्रैक्टिकल को, इस एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से करेंगे नहीं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर की कैटेगरी में ही एक ऑर्गेनोजेनेसिस आता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस है क्या चीज? ऑर्गेनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोगों ने क्या किया था, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते थे कि एक हमारा जो आपका जो टेस्ट ट्यूब रहता है उसमें हम पहले मीडिया प्रिपेयर करते हैं, फिर छोटा सा प्लांट का जो पार्ट है वो हम उसमें डाल देते थे, और उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है, टाइम के बाद जैसे कि 10 डेज हो गया या फिर आपका 11 डेज हो गया, 15 डेज हो गया, उसके बाद हम आके देखते थे तो हमारा जो है उसमें हल्का सा कैलस आना स्टार्ट होता था और कुछ टाइम बाद वो प्लांट में डेवलप होता था। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है किस प्रिंसिपल पे आधारित था? आपके टोटी पोटेंसी। ठीक है, टोटी पोटेंसी जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उस पे आधारित था आपका ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक, सॉरी, प्लांट टिश्यू कल्चर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीटीसी बोलते हैं। तो हमारा जो पीटीसी था उसमें हमने ये देख लिया कि प्लांट को हम ग्रो कैसे करवा सकते हैं, प्लांट के छोटे से पार्ट से, मतलब जैसे पत्ती हो गया, छोटा सा पत्ती का टुकड़ा, या फिर तना, या फिर जड़, या फिर फूल, या फिर फल, इसके छोटे से टुकड़े से हम क्या कर सकते हैं, हम एक पूरा नया प्लांट जो है ग्रो करवा सकते हैं। और ये किस चीज पर आधारित था, किस सिद्धांत पर आधारित था? आपके टोटी पोटेंसी के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को तो मालूम थी। अब हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कल्चर को जितना पढ़ना था हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, लेकिन जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस। और ऑर्गेनोजेनेसिस जो है एक मार्फोजेनेसिस की प्रोसेस है। तो इसके लिए आप लोगों को ये जरूरी है कि अभी मार्फोजेनेसिस क्या है। तो आप लोग जितने भी अभी आप लोग का जो फर्स्ट पेपर है बायोटेक का, उसमें जैसे जैसे आप लोग का प्लांट टिश्यू कल्चर के साथ साथ प्लांट्स के बारे में जितने जितने चीजें पढ़ेंगे उसमें आप लोगों का जो है बहुत से ऐसे टर्म्स आएंगे जिनमें मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज इन सभी पॉइंट्स को डॉट टू डॉट एकदम याद रखें, और किस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं इसको भी याद रखें। जैसे कि मैंने अभी जो टर्म यूज किया, जिसको क्या बोला मैंने, मार्फोजिनेसिस। अब ये पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्फोजिनेसिस क्या है, उसके बाद हम आएंगे आपके किस पे, ऑर्गेनोजेनेसिस पे। तो मार्फोजिनेसिस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है, मार्फोजिनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर जब हम करते हैं तो आपका शेप जब लेता है आपका जो प्लांट है, मतलब ये कि आपका जो आपने टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, आपका मीडिया डाला, पूरा मीडिया भरा हुआ है इसमें, इसमें आपने क्या किया, आपका छोटा सा प्लांट का पार्ट को इसमें इनोकुलेट कर दिया, उसके बाद आपने इंक्यूबेशन के लिए छोड़ दिया। प्लांट टिश्यू कल्चर के चैम्बर में एसी ऑन है, एसी को पूरे टाइम ऑन रखना रहता है, फिर आप एक टाइम लाइट चालू रखिए, मतलब दिन में आप या तो लाइट को बंद कर दीजिए, रात को लाइट को चालू रखिए, ऐसे करके 12 घंटे लाइट, 12 घंटे बिना लाइट कैसे रखते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं, पीटीसी का जो प्रोसेस होते हैं आप उसको करते हैं। ठीक है, अब पीटीसी का प्रोसेस आप कुछ टाइम बाद आएंगे तो इसमें क्या ग्रो होगा, कैलस ग्रो हो जाएगा, धीरे धीरे जो है तना आना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे और थोड़ा सा बड़ा होगा, और अच्छा कंडीशन में आपने रखा तो इसमें पत्तियां आना स्टार्ट होंगी। तो ये सब चीजें जो है आपकी, ये पूरी प्रोसेस पीटीसी में होती है। ठीक है, पीटीसी की जो प्रोसेस
पीटीसी की जो प्रोसेस होती है उसमें कंप्लीटली जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि हमको ग्रो करवाना है। किसको ग्रो कराना है? हमारे प्लांट को ग्रो करवाना है। और हमको प्लांट में जो ग्रो करवा रहे हैं हम इन विट्रो कंडीशन में करा रहे हैं। और इन विट्रो कंडीशन किसको बोलते हैं? जब वो लैब की कंडीशन में हो। ये सभी प्रोसेस आप करते कहाँ हैं? आप लैब में करते हैं ये सभी प्रोसेस, ठीक है? तो लैब में कर रहे हैं तो वो इन विट्रो कहलाएगा। और अगर आप नेचुरली अगर आप प्लांट को उगा रहे हैं मिट्टी की सहायता से, पानी की सहायता से, तो आप क्या वो क्या कहलाता है? आपका इन वीवो कंडीशन कहलाता है, जब वो नेचुरली होता है तो, ठीक है? तो ये सभी जो है हम लोगों ने इतना जो है चीजों को देखा था। अब जो मॉर्फोजेनेसिस है वो ये है, मॉर्फोजेनेसिस इज द शेपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस। जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, भ्रूण मतलब जो आपका एम्ब्रियो जो है, जब एम्ब्रियो का विकास हो रहा होता है, एम्ब्रियो का जब ग्रोथ होते रहता है, तो उस समय जो है बॉडी शेप लेना स्टार्ट करती है। जैसे माँ के पेट के अंदर जब भ्रूण का विकास होता है तो बच्चे का बॉडी का शेप भी बनता रहता है, वैसे ही जब आपके प्लांट का ग्रोथ होते रहता है तो प्लांट के भी एम्ब्रियो मतलब प्लांट के भी पौधों के भी भ्रूण का जब विकास हो रहते होते रहता है तब शेप लेना स्टार्ट करता है, ठीक है? जब ऑर्गेनिज्म जो है आपका शेप लेना स्टार्ट कर देता है, वो कैसे शेप लेगा? मतलब पहले शेप लेना मतलब एक अलग आकार बनना, और आकार बनने के लिए जरूरी है कि हर अलग अलग अंग का बनना, अंग का मतलब आपके ऑर्गन्स का बनना। तो आपका ऑर्गन जो है बन रहा है तो एक जैसे पहला जैसे निकला तो वो एक आपका स्टेम दिखा, थोड़े दिन बाद आपको उसमें पत्तियां दिखाई दी तो वो पत्ती कहला रही। तो ये धीरे धीरे जो शेप लेना हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपके सेल्स हुए, फिर टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, फिर वो डेवलप हो के फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाया, तो इस प्रोसेस को हम मॉर्फोजिनेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। मॉर्फोजिनेसिस क्या होता है? शेपिंग होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल जब प्रोसेस होती रहती है मतलब आपके जब भ्रूण का प्रोसेस होते रहता है, भ्रूण का जब विकास होते रहता है तब उस स्थिति में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में, जब आपका जो एम्ब्रियो है मतलब आपका भ्रूण जो है वो शेप लेता है, आकार लेता है, जिसमें ऑर्गन्स डेवलप होना चालू होते हैं। पहले सेल्स बनेंगे, सेल्स के बाद फिर आपका टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद फिर आपके ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं। ये प्रोसेस जो है हम लोग स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से पढ़ते आए हैं, ठीक है? और यही प्रोसेस जब प्लांट्स में हो रही है तो वो जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जब ये पूरे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जब शेपिंग होता है ऑर्गेनिज्म का, जब शेप लेता है प्रॉपर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोजिनेसिस हम बोलते हैं, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है मॉर्फोजिनेसिस की प्रोसेस होती है। अब मॉर्फोजिनेसिस की प्रोसेस में आपका आता है ऑर्गेनोजिनेसिस। अब हम पूरा फोकस करेंगे किस पे? ऑर्गेनोजिनेसिस पर। आई होप आप लोगों को मॉर्फोजिनेसिस जो है वो समझ आया होगा, मतलब आपका ऑर्गेनिज्म का शेप लेना, वो आपका क्या कहलाता है? मॉर्फोजिनेसिस। अब ये जो ऑर्गेनोजिनेसिस है, ऑर्गेनोजिनेसिस एक मॉर्फोजिनेसिस की प्रोसेस जो है वही होती है। मॉर्फोजिनेसिस की प्रोसेस के अंदर ही आपका ऑर्गेनोजिनेसिस आता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्लांट होता है, प्लांट के ऑर्गन का फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजिनेसिस। प्लांट के अंगों का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोजिनेसिस कहलाता है, मतलब प्लांट्स के अंगों का डेवलपमेंट होना। अब अगर प्लांट्स के अंगों के डेवलपमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो कैसे कैसे और कैसे कैसे क्या होगा इसके बारे में देखना है। अब प्लांट्स के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या क्या चीज का डेवलपमेंट होगा? एक होगा शूट का डेवलपमेंट, फिर आपका रूट का डेवलपमेंट, मतलब आपका रूट सिस्टम का भी हो रहा है, तने का भी हो रहा है, शूट का भी हो रहा है, फिर आपके फ्लावर ये भी एक अंग है क्योंकि इसका डेवलपमेंट, फिर आपका जो है बर्ड्स फ्रॉम द एक्सप्लांट मतलब कलियां निकल रही है, फिर फल निकल रहे हैं, ठीक है? ये सभी जो पत्ते निकल रहे हैं ये सब चीजें आपका अंगों के अंदर आते हैं, प्लांट्स के अंग पार्ट्स के अंतर्गत। अब प्लांट्स के अंगों का डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन होना, बनना, वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनोजिनेसिस। प्लांट्स के अंगों का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गेनोजिनेसिस हुआ। अब ये ऑर्गेनोजिनेसिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस। ये एक है डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस
और एक होता है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। आई होप आप सभी नोट कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सॉरी, तो ये डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ और एक इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस फिर क्या होता है? देखो, अंगों का बनना तो हम समझ गए कि अंगों के बनने की जो प्रक्रिया है, अंगों का फॉर्मेशन जो है वो हमारा क्या कहला रहा है? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्या तात्पर्य है, हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, जब सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपको एक्सप्लांट की जरूरत है। ये आपका एक पौधा है, ठीक है, आपका ये क्या है, एक प्लांट है, शूट सिस्टम हो गया, ये आपका हुआ फ्रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका एक आपका प्लांट आपके पास जो है वो रेडी कंडीशन में। अब आपको क्या करना है, इस प्लांट का क्या करना है, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करना। तो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में होगा क्या, ऑर्गेनोजेनेसिस तो हम जान गए कि प्लांट के अंगों का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। प्लांट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। बट वॉट इज डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस? तो डायरेक्ट अगर ऑर्गेनोजेनेसिस की बात की जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मान लीजिए इस पत्ते को लिया, सिर्फ पत्ते को। अब पत्तों को हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, ये आपके लीव्स के टुकड़े हैं, मतलब आपके पत्तों के टुकड़े। ठीक है, अब इस पत्ते के टुकड़े को हम एज ए एक्सप्लांट यूज कर रहे हैं। एक्सप्लांट क्या होता है, मैंने आप लोगों को पीटीसी पढ़ाया था तो बता चुका था कि एक्सप्लांट वो प्लांट का वह हिस्सा होता है जिसको यूज करके हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, प्लांट टिश्यू कल्चर करना है। तो इसको हमने एक्सप्लांट बना लिया, किसको, पत्ते के टुकड़े को एक्सप्लांट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, टिश्यूज फ्रॉम लीव स्टेम्स। अब आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्ते को ले, आप रूट का हिस्सा भी ले सकते हैं, आप तने का हिस्सा भी ले सकते हैं, या फिर बड वाला हिस्सा भी रह सकते हैं। तो जिसको हम डायरेक्टली कल्चर करते हैं प्लांट के ऑर्गन बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस। इन डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस द टिश्यू अंडरगोज मॉर्फोजेनेसिस विथाउट गोइंग थ्रू अ कैलस और सस्पेंशन सेल कल्चर। इसका मतलब ये कि इस एक्स प्लांट को हम जैसे ही अपने मीडियम में डालेंगे, ठीक है, तो हमारा जो मीडियम है वो एक्स क्या बनाएगा, कैलस पहले बनाता था ना। कैलस क्या होता था, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसमें सेल बस सेल का एक जो आपका जाल है वो ही बना रहता था। लेकिन उसको देख के हम ये नहीं बोल सकते कि वो तना है या पत्ती है, सिर्फ पहले जो है सेल का जो मास हमको प्राप्त होता है। तो पहले कैलस बनता था, उसके बाद यही डेवलप होके तना पत्ती ये बनता था। ये हमारा एक्चुअल प्रोसेस है प्लांट टिश्यू कल्चर में जो होता था। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो इसमें क्या होगा, आपने जैसे ही इसको अपने मीडिया में डाला, किसको, आपके इस एक्स प्लांट को आप जैसे ही डालेंगे तो वो क्या बनेगा पता है, आपका कैलस नहीं बनाएगा,
कैलस नहीं बनाएगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, वो डायरेक्ट क्या बना लेगा, ऑर्गन बनाएगा। तो हो सकता है वो शूट बना ले, पहले शूट बनाएगा तो पत्तियां डायरेक्ट निकलना चालू होंगी, तना निकलना चालू होगा, कैलस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें डायरेक्टली जो ऑर्गन है वो डेवलप हो जा रहे हैं, कैलस बन ही नहीं रहा है, डायरेक्ट ऑर्गन डेवलप हो जा रहे हैं। डायरेक्टली आपका कोई भी आपको अलग से कैलस बना के वेट करने की जरूरत नहीं कि अभी तो कैलस बना है, अब इट विल टेक 10 to 15 days फॉर डेवलपिंग द शूट और रूट। हम पहले कैलस आता था तो कैलस जैसे ही आता था उसके बाद हम लोग को और ग्रो करवाना है तो 10-15 दिन और वेट करो, पहले तो कैलस आने का वेट करो 10 दिन तक के, 8 से 10 दिन कैलस आने का वेट करो। उसके बाद हम वेट करते थे कि कैलस आ गया, अब इसको ऑर्गन में डेवलप होने में फिर से 8 से 10 दिन लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होगा कि आपका ये जो प्लांट है उसका पहले एक्सप्लांट लिए और जैसे ही आप उसको इनोकुलेट करेंगे मीडिया में तो वो डायरेक्ट किसमें बदलेगा, आपके अंगों में डेवलप हो जाएगा, डायरेक्ट उसके ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए इसे डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस बोला जाता है। इसमें कैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है कि पहले कैलस बनता है फिर उसके बाद कैलस जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये वाला जो सिस्टम है ये इसमें होगा ही नहीं। तो डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस इसलिए ही डायरेक्ट बोला जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्टली ऑर्गन जो है वो डेवलप हो रहे हैं विथाउट द फॉर्मेशन ऑफ कैलस, कैलस नहीं बन रहा है। ठीक है, द टर्म डायरेक्ट एडवेंटिशियस ऑर्गन फॉर्मेशन इज ऑल्सो यूज फॉर द ऑर्गेनोजिनेसिस। इस डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस के लिए एक और टर्म है जो यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एडवेंटिशियस ऑर्गन फॉर्मेशन। कई बार एग्जाम में जो है इस नाम से भी आप लोगों का आने का चांसेस रहता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा नाम जो रहते हैं किसी भी प्रोसेस के किसी भी चीज के लिए, तो उसे आप लोग कभी भी याद रखिए। ठीक है, तो ये आपका था क्या चीज, डायरेक्ट एडवेंटिशियस ऑर्गन फॉर्मेशन। ये दूसरा नाम भी, ये जो टर्म है इसे भी यूज किया जाता है डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस के लिए। अब डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस में हमने क्या देखा कि इसमें जो है हमारा जो जैसे हम टिश्यू कल्चर जब करेंगे, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो कभी भी एक्सटर्नल आता है तो पूछता है आपने पीटीसी किया था, आप बोलेंगे हाँ किया था, आपको फिर पूछेगा कि आपने कौन सा किया था, डायरेक्ट किया था इनडायरेक्ट किया था, तो आप क्या बोलेंगे, यूजुअली हम लोग इनडायरेक्ट वाला करते हैं, डायरेक्ट वाला नहीं करते, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट किया था तो आप क्या बोलेंगे, डायरेक्ट किया है आपने। तो डायरेक्ट में क्या हुआ कि आपने पहले आपका जो जैसी जो भी सरफेस डाइजेशन, पहले इसको क्लीन व्लीन किया, आपने जो एक्सप्लांट था क्लीन करने के बाद सब जिसको जैसे ही आप अपने मीडिया में इनोकुलेट किए तो कैलस नहीं बना, जबकि क्या बना, वो डायरेक्ट आपके ऑर्गन का बनना स्टार्ट हुआ, इसलिए हम इसे डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस बोलते हैं। अगर ये पहले कैलस बना रहता तो वो इनडायरेक्ट वाला कहलाता है। ठीक है, तो इंडक्शन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन डायरेक्टली ऑन रूट लीव्स एंड वेरियस अदर ऑर्गन्स ऑफ इंटैक्ट प्लांट्स इन अ वाइडली यूज्ड मेथड फॉर प्लांट प्रोपगेशन। दिस अप्रोचेस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हर्बेशियस स्पीशीज। जो हर्बेशियस स्पीशीज रहते हैं जैसे कि औषधीय गुण वाले जो पौधे रहते हैं उनके लिए बोला जाता है कि डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से ऑर्गन का फॉर्मेशन चाहिए रहता है, अगर हमको पत्ती से उसका कुछ दवाई बनानी है औषधि बनानी है, तो इसलिए डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करके उन प्लांट्स को उगाया जाता है जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं और हर्ब्स की क्वालिटी वाले होते हैं। ठीक है, हर्ब्स की क्वालिटी में आप लोगों का ऑरिगेनो भी आता है जो आप लोग पिज्जा के ऊपर डाल के खाते हैं, ये भी बता दूं मैं, वो भी हर्ब्स हैं। ठीक है, तो उसमें पत्ती ही है ऑरिगेनो का, जिसे आप लोग आप पूरा जो पैकेट में रहता है ऑरिगेनो का पैकेट। ठीक है, तो वो पत्तियां जो है उसको जल्दी चाहिए रहती है हमको, तो ऑर्गन हमको जल्दी चाहिए, ना कि हमको कैलस से मतलब है, क्योंकि कैलस पहले बनता है उसके बाद ऑर्गन डेवलप होता है, लेकिन हमको किस चीज से मतलब है, हमको तो मतलब है आप हमारे सिर्फ ऑर्गन से मतलब है, और ऑर्गन कब आएगा, जब हम डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगे तो वो डायरेक्टली ऑर्गन में डेवलप होगा ना कि कैलस में। तो ये आपका था डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस में एक और चीज है जो जानने वाली है कि ये डिपेंड करता है आप लोगों का, ये चीज डिपेंड करता है कि आपका जो आपने मीडिया बनाया है उसमें किस चीज की क्वांटिटी आपने डाटा ज्यादा डाली है, उस पर भी निर्भर करता है कि पहले रूट का फॉर्मेशन होगा
या पहले शूट का फॉर्मेशन होगा, मतलब दोनों में से एक चीज का फॉर्मेशन जो है वो पहले होता है, या तो रूट का फॉर्मेशन पहले होगा या तो शूट का फॉर्मेशन पहले होगा। बात हाँ, रूट का फॉर्मेशन होगा तो पहले क्या होगी, जड़े बनना स्टार्ट होंगी, उसके बाद जो है रूट आना स्टार्ट होगा। अगर शूट का फॉर्मेशन पहले होगा तो पहले तना और पत्ती निकलना स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है रूट का फॉर्मेशन होगा। दोनों में से कौन सी चीज पहले आती है इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। कई बार अगर डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करवाया जाता है तो उसमें दो मीडिया तैयार किया जाता है। इस दो मीडिया में पहले जो है, जो मीडिया है उसमें हम ऐसा वाला कंटेंट डालते हैं जिसमें शूट पहले डेवलप होगा। तो जैसे ही आप एक्सप्लांट को डालते हैं तो शूट डेवलप हो गया, उसके बाद इस शूट को पूरा उखाड़ लिया जाता है, पूरा इसको निकाल कर दूसरे वाले मीडिया में डालते हैं, जिसमें जैसे ही हम डालते हैं तो ये तो पहले से डेवलप हुआ वाला क्या चीज था, यहाँ पर शूट जो है पहले से डेवलप था जिसको हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें जैसे ही डालेंगे तो रूट डेवलप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से भी आपकी प्रोसेस जो है वो होती है, वो डिपेंड करता है आपके मीडिया कंटेंट के ऊपर, एक्सोन और साइटोकाइनिन और आपके जिब्रेलिन्स के ऊपर, कि कौन सा चीज पहले डेवलप होगा, रूट डेवलप होगा कि शूट डेवलप होगा। ठीक है, इसको मैं जब आप लोगों का इसको कंक्लूड करूंगी ऑर्गेनोजेनेसिस, तो मीडिया के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगी कि रूट और शूट सिस्टम वाली क्या चीजें हैं करके। ठीक है, पहले रूट डेवलप होता है, शूट डेवलप होता है, वो मीडिया पे जब डिस्कस करेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो ये आपका था डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, देखो इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस अगर कभी भी हो रहा है तो पॉइंट नंबर वन, इसमें भी क्या होगा, पहले आपके पास एक प्लांट होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप लोग यूज करेंगे किस चीज के लिए, एज ए एक्सप्लांट इस प्लांट को यूज करेंगे। इस प्लांट के आपने क्या किया, पत्ती के पत्ती को एक निकाल लिया, फिर पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है काट दिया। अब इसका आप लोग इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। जो प्लांट मटेरियल को वॉश करने की जो प्रोसेस होती है इसे हम सरफेस स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, प्लांट मटेरियल को जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करने से पहले जब हम धोते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, मतलब किसी भी प्रकार का अगर उसमें बैक्टीरिया है, फंगस है या किसी भी प्रकार की गंदगी है, वो अच्छे से धुल जाए पौधों से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं, जिसे हम लोग जिसमें हम लोग अच्छे से प्लांट को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, तो सरफेसेशन की प्रोसेस में बहुत सारी चीजें यूज करती हैं। ये चीज हम लोग जब प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़े थे तब उस टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब सरफेसेशन की प्रोसेस की, अब हम क्या करेंगे, इनोकुलेट करेंगे। हम अपने जो मीडिया बना के रखे हैं उस मीडिया के अंदर हम अपने इस एक्सप्लांट को इनोकुलेट करेंगे। आपने एक्सप्लांट डाल दिया, ये आपका एक्सप्लांट था। अब ये एक्सप्लांट डालने के बाद जो है 10 दिन वेट करने के बाद आपके मीडियम में ही छोटा सा जो मांस दिखेगा सेल का, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, ये पहले बनेगा, तो वो कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब इसमें डायरेक्टली अंग नहीं बने, प्लांट के पार्ट्स नहीं बने, शूट पहले नहीं निकला, रूट पहले नहीं निकला, पहले क्या क्या आया, पहले कैलस का फॉर्मेशन हुआ। कैलस का फॉर्मेशन होने के बाद जो है इस कैलस से आगे जाके जो है तना निकलेगा, फिर पत्तियां निकलेंगी, फिर कुछ टाइम के बाद जो है रूट का फॉर्मेशन होगा, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, आपका इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजिनेसिस। दैट मींस आपके सबसे पहले टिश्यू कल्चर में जैसे ही आपने इनोकुलेट करते हैं, फिर इंक्यूबेशन टाइम के बाद आपका कैलस का फॉर्मेशन पहले होगा। कैलस के फॉर्मेशन के पश्चात जो है आपका रूट का फॉर्मेशन या शूट का फॉर्मेशन, मतलब अंगों का बनना, ऑर्गन्स का बनना बाद में होता है स्टार्ट, तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, जिसमें कैलस का फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये आपका था इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। द एक्सप्लांट फॉर गुड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी माइटोटिकली एक्टिव इमेच्योर टिश्यूज। कभी भी एक चीज याद रखेंगे, जिस पौधे से हम एक्सप्लांट लेते हैं अगर हमको पीटीसी करना है, ठीक है, अगर हम जिस पौधे से हम ले रहे हैं आपका एक्सप्लांट को, वो पौधा अपने अच्छे स्थिति में होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, किसी
किसी प्रकार की बीमारी उस पौधे को नहीं होनी चाहिए। अगर बीमारी लगी है उस पौधे में और उस बीमारी वाले पौधे से अगर आप एक्सप्लांट ले रहे हैं तो हो सकता है आपका पीटीसी जो है वो अच्छे से सक्सेसफुल ना हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसका हो आपको एक चीज को और ध्यान रखना चाहिए कि माइटोसिस जो प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, माइटोसिस की जब सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही होती है उस समय अगर आप इस प्लांट के एक्सप्लांट को लेंगे तो सबसे बेस्ट होता है इसका पीटीसी करना। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए कि आप तने वाला हिस्सा या पत्ती का हिस्सा या फिर पेटियोल, मतलब जो आपका जो पत्ती जहां से निकली रहती है, ये जल वाला जो हिस्सा है, ये पत्ती जहां से निकली रहती है वो वाला तना जिसे हम पेटियोल बोलते हैं, इस हिस्से को या फिर पत्ती वाले हिस्से को या तने वाले हिस्से को अगर आप लेकर करवा रहे हैं ऑर्गेनोजेनेसिस और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस तो वो बेस्ट होता है उसके लिए। इससे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस अच्छी होती है। इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर पीटीसी कराने के लिए जो मीडिया यूज होते हैं उसमें सबसे कॉमन जो मीडिया है वो है आपका एमएस मीडिया, मतलब मुराशीगंज स्कूग मीडिया। फिर आपका आता है एक B5 मीडिया, उसके बाद आपका आता है वाइट्स मीडिया। ये इतने प्रकार के जो मीडिया है वो यूज होते हैं पीटीसी में अगर इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कराते हैं। ये तीन मेजर टाइप के आपके मीडिया जो है वो यूज किए जाते हैं अगर आप इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करवाते हैं। तो ये आपका था इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। अब मैं कल जो है आपके आपकी क्लास जो है वो खत्म होने का टाइम आ गया, तो कल जो है इसके बारे में, मीडिया के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, मीडिया कंटेंट के बारे में, जिसमें आप लोगों को मैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम के बारे में अच्छे से क्लियर करूंगी। आई होप अभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सभी को क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है मैम।